आज हम फेफड़ों की संरचना के बारे में जानेंगे। वायु में सांस लेने वाले प्राणियों का मुख्य सांस लेने का अंग फेफड़े होते हैं। यह प्राणियों में एक जोड़े के रूप में उपस्थित होते हैं। फेफड़ों की दीवार असंख्य गुहिकाओं की उपस्थिति के कारण स्पंजी होती है और यह बक्ष गुहा में स्थित होते हैं। फेफड़ों में ही रक्त का शुद्धिकरण होता है तथा प्रत्येक फेफड़े में एक फुफ्फुसीय सिरा हृदय से अशुद्ध रक्त लाती है। फेफड़े में रक्त का शुद्धिकरण होता है तथा रक्त में ऑक्सीजन का मिश्रण होता है। फेफड़ों का मुख्य काम वातावरण से प्राणवायु लेकर उसे रक्त परिसंचरण तंत्र में प्रवाहित करना और रक्त से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर उसे वातावरण में छोड़ना है। गैसों का यह विनिमय असंख्य छोटी छोटी पतली दीवारों वाली वायु पुटिकाओं जिन्हें ऑल्वियोली कहा जाता है में होता है। यह शुद्ध रक्त फुफ्फुसीय सिरा द्वारा हृदय में पहुंचता है जहां से यह फिर से शरीर के विभिन्न अंगों में पंप किया जाता है। आइए अब हम जानते हैं विटामिन सी किस प्रकार महत्वपूर्ण है फेफड़ों के लिए। फेफड़ों को सेहतमंद रखने में विटामिन सी की बड़ी भूमिका होती है। ये फेफड़ों को पूरे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने में मदद करता है। संतरा, नींबू